खबर बीजेपी की चुनावी अभियान की। आज पार्टी की मैनिफेस्टो कमेटी की पहली और अहम बैठक होने जा रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित समिति बीजेपी मुख्यालय में सुबह 11 बजे ये बैठक करेगी, जिसमें पार्टी के चुनावी वादों को लेकर मंथन होगा। हाल ही में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कमेटी को गठित किया। समिति में अध्यक्ष राजनाथ सिंह है, उनके साथ साथ 27 सदस्य है। इसमें निर्मला सीतारमन और पीयूष गोयल भी इसमें शामिल है। संयोजक के भूमिका में निर्मला सीतारमन रहेंगी, सह संयोजक की भूमिका में पीयूष गोयल रह रहे हैं और इसके साथ ही साथ चार राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो इसमें रहने वाले हैं। घोषणा पत्र की रूपरेखा क्या होगी उसको लेकर ये कमेटी चार दिन पहले गठित की गई। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्य है इसमें और आज पहली और अहम बैठक होगी। क्या मुद्दे हो जिनको लेकर जनता के सामने जाया जाए, इनको लेकर एक कमेटी और मंथन और चिंतन का दौर बीजेपी में आज होने वाला है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अहम बैठक है हिमांशु आज, क्योंकि आगे घोषणा पत्र क्या होगा बीजेपी का, क्या रणनीति होगी, इसी को लेकर चिंतन और मंथन का दौर शुरू होगा। हाँ देखिए, बिल्कुल, घोषणा पत्र को लेकर जो है चिंतन और मंथन का दौर शुरू होगा। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जो है वो मैनिफेस्टो कमेटी का जो है चेयरमैन बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। उसके साथ ही एक चीज ये मानना पड़ेगा, अगर तीसरी बार मोदी सरकार आती है तो अगले 5 साल में सरकार का क्या रोड मैप रहने वाला है वो इस मैनिफेस्टो में साफ झलकेगा और इसको ध्यान में रखना होगा। और साथ ही साथ अब जो भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज थे वो पूरे हो चुके हैं अर्पिता। अगर आप देखें, राम मंदिर का निर्माण वो हो चुका है, यूसीसी पे सरकार आगे बढ़ चुकी है। उसके साथ ही जो है धारा 370 को हटाने का जो वादा सरकार भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो में करती रही है पिछले कई दशकों में, वो पूरा हो चुका है। तो अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी के अगले 5 साल के रोड मैप में क्या नजर आएगा। जो मोदी सरकार अगर जीतती है तीसरी बार, 4 जून को जब नतीजे आते हैं, तो उसके बाद से जो सरकार का आगे का जो रोड मैप है, जो किस तरीके से किन इश्यूज को लेकर काम करना होगा वो दिखेगा। तो एक चीज मानी जा सकती है कि 2047 के अंदर जो विकसित भारत की परिकल्पना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है आजादी के 100 साल के बाद, तो उसकी झलक जरूर इस मैनिफेस्टो में दिखाई देगी अर्पिता। ठीक है मांशु, रे जरा आप साथ, तो फिलहाल क्या आगे की रणनीति होगी, उनमें क्या क्या शुमार होगा, इसको लेकर ही 27 सदस्य जो है जिसकी अध्यक्षता इस कमेटी की राजनाथ सिंह कर रहे हैं, 11 बजे बैठक होनी है अहम।